हेलो गेमर्स, तो स्वागत है आपका सैन एंड्रियास के चौथे गेम प्ले में। यस गाइस, ये सैन एंड्रियास का चौथा गेम प्ले होने वाला है। जिसने भी पिछले तीनों गेम प्ले नहीं देखे वो जाके देख सकता है, उनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या ऊपर आई बटन में भी पिन कर दूंगा। तो मेक श्योर कि पहले आप वो तीनों गेम प्ले देख लें, देन आप इस फोर्थ गेम प्ले को देखें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आपके लिए सैन एंड्रियास के गेम प्ले लगातार लेके आता रहूं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो मिशन होने वाला है, इस मिशन में हमारे स्मोक, हमारे जो स्वीट है, हमारे सीजे का बड़ा भाई उससे बात कर रहा होता है और वो कहते कि भाई ऐसा ऐसा करके है कि इज्जत कमानी पड़ती है पैसे की तरह। तो उनकी आपस में तू तुम्हें मोती कहता कि तुम मेरी इज्जत नहीं करते। फिर कहता तो बात ये है, वो कहता क्या बात है, वो कहता कि भाई बात ये है मेरे को भूख लग रही है। तो फिर सारे हंसने लग जाते हैं, तो कहते हैं भाई मेरे को खाना खाना है, मैं ज़िंदगी भर ब्रेड पे नहीं रह सकता, तो चलते हैं कुछ खाते हैं। तो राइडर कहता भाई टाकोज वगैरह चिकन वगैरह खाते हैं, कहते हैं नहीं भाई मैं कुछ अच्छा खाऊंगा। तो अब ये कुछ खाने के लिए ही आए हैं और अब देखते हैं ये आगे क्या इनकी बातचीत होती है। Number 9 large, a number 6 with extra dip, a number 7 2 number 45s, one with cheese and a large soap. Hey, sorry, bro. You know I gotta know about mine. I know, CJ, I know. I'm just trying not to think about it, so. I mean, I didn't even know she was hit until it was all over. Yeah, right. Let's eat. तो यहाँ पे ये खाने वाने का ऑर्डर देते हैं। तो राइडर और हमारा जो सीजे है वो तो नॉर्मल ऑर्डर देता है, लेकिन जो हमारा स्मोक है वो इतना सारा ऑर्डर देता है कि भाई वो बिल्कुल लोग उसे देखने चालू हो जाते हैं। तो उसके बाद वो अपने भाई से पूछता है, कहता भाई बस मैं सॉरी बोलता हूँ, बट हमारी मैं अपनी मम्मा के बारे में जानना चाह रहा था और कोई बात नहीं है। तो इतने में ही क्या होता है कि इतने में हमारे सामने बैलास गैंग के बंदे आते हैं और हमारा जो राइडर वो कहता है यहाँ में गुथाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। वो कहता है भाई स्मोक कहता भाई तू बिल्कुल मनहूस है। अब उसके बाद भाई बैलास गैंग हम पे फायर कर देती है और अब हम इनको पेलना चालू करते हैं। भाई सारे बंदे फेल रहे हैं और स्मोक अपना खाना एंजॉय करने में लगा हुआ है। भाई स्मोक कितना खतरनाक बंदा है, वो कह रहा भाई स्मोक तुम गाड़ी चलाओ, वो कह रहा भाई गाड़ी नहीं चलाऊंगा, मुझे पहले मेरे फ्राइज खत्म करने दो उसके बाद, क्योंकि मेरे को ठंडा खाना पसंद नहीं है। तो भाई हमने उनकी गाड़ी वाड़ी फोड़ दिया, अब अपने को बैलास गैंग के बंदे मारने हैं। अब ये दो बंदे ही रह गए और एक बंदा उधर साइड में और एक इधर साइड में है। तो अपने को बस एक को और पेलना है जो यहाँ पे रह गया है। यस, और हमने यहाँ पे बैलास गैंग को बस ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया। अब अपने को सीधा जाना है हुड की तरफ, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट इन सबको बंदों को पेल दिया है और यहाँ पे पुलिस वाले भी हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा देर तक वेट करेंगे तो भाई पुलिस वाले उठा लेंगे, वो हमारा जो मिशन है वो फेल हो जाएगा। तो अब चलते हैं सीधा अपने हुड और अब देखते हैं क्या बातचीत होती है अपनी। यहाँ थोड़ा सा जल्दबाजी के चक्कर में मेरे को लगा पुलिस वाले अपने पीछे पड़े हुए हैं, तो मैं थोड़ा सा वो घाई घाई में गलती हो गई और कोई बात नहीं है। तो यस, अब चलते हैं अपने हुड की तरफ। और ये बैलास गैंग वाले थे और भाई इनको तो ग्रुप में मारना ही नहीं था, बट इनको भी मैंने फेल ही दिया फिर भी। तो चलते हैं अपने हुड की तरफ। अपन जा रहे हैं फुल स्पीड में अपने हुड, क्योंकि ज़्यादा देर रुकेंगे तो बैलास गैंग वहाँ पे और आ जाएंगे और फिर वो अपने को पेल सकते हैं भाई। तो यस, हम अपने हुड आ चुके हैं, अपने ग्रुप स्ट्रीट आ चुके हैं और अब देखते हैं क्या बातचीत होती है। Say what, Smoke? All you managed to do was eat my damn food up. Yeah, it was getting cold. Y'all coming in for a beer? Nah, baby. I need to get back to the crib. CJ, give me a ride. वो उसका भाई कहता भाई स्मोक तुमने करा क्या है,
सिर्फ खाना खाने के लिए ही आए थे तुम, वहाँ हमारा जूता बाजा पड़ा था और तुम वहाँ खाना खा रहे थे। कह रहा भाई तो क्या हो गया, वो खाना ठंडा हो रहा था, खाना ठंडा हो जाता था फिर मेरे को पसंद नहीं होता। तो कहता तुम ठंडी बियर पीना चाहोगे, कहता नहीं भाई मुझे नहीं पीनी। कहता ठीक है, फिर उससे कहता है हमारा स्मोक सीजे से, कहता सीजे तुम मुझे मेरे घर छोड़ दे, मुझे मेरे घर जाना है अब। तो फिर अब इनसे बातचीत हो रही है, वो उससे कहता कि भाई मुझे मेरी मम्मा के बारे में जानना है, बता दो क्या है क्या नहीं है। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलता, बस वही कहता, फिर वो ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है, फिर वो नॉर्मली अपनी बात बताने लगता है कि भाई तुम यहाँ से क्यों चले गए, क्यों नहीं गए। तो वो कहता है बस वो तो मेरा घर ही है, ग्रोव स्ट्रीट तो मेरा दिल में है, ये तो मैं सिर्फ यहाँ पे नॉर्मल रहता हूँ मेरी आंट के पास, और कोई बात नहीं है। तो कहता चल कोई बात नहीं, बाकी थैंक्स फॉर द राइड। तो इसी के साथ गाइस हमारा जो ये वाला मिशन है ये भी कम्प्लीट हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।